मुझे अधिकार नहीं है, वैसे शूद्र को अधिकार नहीं है। अब वो कहे चपरासी, हम यहाँ पर 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमारा लड़का हाईकोर्ट का जज बन गया है, इसलिए हम इस कोर्ट में आज बैठेंगे। अब वो जब तक ऑन ड्यूटी चपरासी रहेगा, चपरासी ही रहेगा, वो जब तक घर पर शूद्र रहेगा, शूद्र ही रहेगा, उसका परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़े। पढ़ ही नहीं सकता, उसका अधिकार ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ नहीं सकता, उसके समझ नहीं आ सकता है, विद्वान नहीं हो सकता है। अब देखो भाई सुनो, लड़ाई करा दोगे तो भारत स्वतंत्र हुए 58 साल हो रहे, इतने वर्ष में कौन चमार का लड़का टापर हुआ वर्ल्ड में, अरबों खरबों रुपए तो उस पर खर्च किया गया, ये बता। आपको जो है भारत का जो संविधान है उसके और हमारे जो वेद है उसके बीच में चुनना है आपको? नहीं, हमको संविधान हम नहीं चुनते हैं, भारत संविधान को संविधान नहीं मानते हम। भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है, हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। हमारा वेद आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा है, उसको करो, उसमें बुरा भला सोचने का तुमको राइट नहीं। हमारे यहाँ शास्त्र लिखा है कि मतेव यत्र गच्छन्ति, बुद्धि जहां जाती है तत्र गच्छन्ति वानरा, वहां पशु जाते हैं। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति, शास्त्र जहां जाते हैं तत्र गच्छन्ति मानवा, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला मानव है। मत करो लॉजिक मत लगाओ, जो कह गए हैं वही चीज है।